दोस्तों क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े रिकॉर्ड बनते रहते हैं और बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटते भी रहते हैं। दोस्तों कुछ ऐसा ही हमें नजारा देखने के लिए मिला है आईपीएल 2020 के 13वें सीजन के 42वें मुकाबले में, जो खेला गया कोलकाता वर्सेस दिल्ली के बीच में, जहां पर एक गेंदबाज है जिसका नाम है वरुण चक्रवर्ती। उसने 5 गेंदों पर 5 विकेट चटकाए हैं। जा दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो उस खिलाड़ी के बारे में कि उसने किस किस खिलाड़ी को आउट करने के बाद पवेलियन का रास्ता दिखाया था, उसका पूरा हाईलाइट जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और देखते रहिए। दोस्तों पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, दिल्ली कैपिटल की टीम ने पहले टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया और उनका ये फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। और मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि कोलकाता की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट गंवाने के बाद 20 ओवर में 194 रन बनाए, जो कि बहुत बड़ा स्कोर लग रहा था दिल्ली कैपिटल के सामने। और दोस्तों ऐसा ही हुआ, दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाने के बाद मात्र 135 रन ही बना पाई और 59 रन से हार का सामना करना पड़ा दिल्ली कैपिटल की टीम को। मगर दोस्तों में सबसे ज्यादा तो तारीफ करनी होगी केकेआर के बॉलर वरुण चक्रवर्ती की। या दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने 5 गेंदों में 5 विकेट चटकाए हैं। वो कैसे चटकाए हैं, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने श्रेयस अय्यर को, जो कि इस टीम के कप्तान है, इनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। श्रेयस अय्यर 38 गेंदों का सामना करते हुए 47 रन पे नाबाद खेल रहे थे। उसी समय वरुण चक्रवर्ती का मैदान में तूफान आया और वरुण चक्रवर्ती ने कमलेश नागर कोठी के हाथों इन्हें कैच आउट करवा दिया और इनका पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और उसके बाद दोस्तों ऋषभ पंत को भी आउट करवा दिया वरुण चक्रवर्ती ने सोमन गिल के हाथों। ऋषभ पंत 33 गेंदों का सामना करते हुए 27 रन पे खेल रहे थे। और उसके बाद दोस्तों दिल्ली के सबसे खतरनाक बल्लेबाज सिमरन हेटमायर को भी आउट कर दिया वरुण चक्रवर्ती ने। 5 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बनाने के बाद खेल रहे थे राहुल त्रिपाठी के हाथों इन्हें कैच आउट करवा दिया। और उसके बाद दोस्तों बहुत ही बड़े ऑलराउंडर स्टोनिस को भी आउट कर दिया वरुण चक्रवर्ती ने, राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट करवा दिया मात्र 6 रन पे। और उसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल का यहां पे विकेट लिया। अक्षर पटेल जो कि 9 रन बना के नाबाद खेल रहे थे 7 गेंदों का सामना करते हुए वरुण चक्रवर्ती ने इनको डायरेक्टली बोल्ड मार दिया। दोस्तों 5 गेंदों में 5 विकेट चटकाए हैं वरुण चक्रवर्ती ने। वरुण चक्रवर्ती ने अपने 4 ओवर में मात्र 20 रन दिए तो ही 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और दोस्तों फाइनली केकेआर की टीम ने 59 रन से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों आज वरुण चक्रवर्ती की इस गेंदबाजी को, घातक गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बता देना। और दोस्तों हाँ, क्रिकेट या फिर आईपीएल की खबर आप सबसे पहले देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए यूटीवी न्यूज 24।